वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बनाएंगे आलू का पराठा। आलू का पराठा हर वर्ग के लोगों को खाना बड़ा ही पसंद है, ये खाने में बड़ा ही टेस्टी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए उबले मैश किए हुए आलू लेंगे, ब्री कटा प्याज, ब्री कटी हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक लेंगे, स्वाद अनुसार रेगुलर नमक डालेंगे, थोड़ा सा हम काला नमक, फिर हम लाल मिर्च लेंगे, थोड़ी सी आमचूर पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अजवाइन डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे, सबको हम अच्छी तरह मिलाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, एक लाइक तो बनता है। ये हमारी पराठे की फिलिंग तैयार है। अब हम तवे को गर्म करेंगे और पेड़ा लेंगे, पेड़े को हम बेल लेंगे देखिए इस तरह से। फिर हम इसमें आलू की फिलिंग को भर लेंगे, इसको भर के हम इसको अच्छी तरह हम इस तरह से कवर कर लेंगे। फिर इसे हल्के हाथों से हम इसे इस तरह से देखिए बनाएंगे ताकि जो फिलिंग है वो चारों तरफ फैल जाए। फिर हल्के हाथों से हम बेलन से इसको बेल लेंगे। देखिए इस तरह से हमने पराठा बना लिया है। अब हम इसे तवे पर सेकेंगे, दोनों तरफ से हम इसे अच्छी तरह सेक लेंगे। देखिए इस तरह से घी लगाएंगे इस पर, दोनों तरफ से हम इसे सेक लेंगे। ये हमारा आलू का पराठा बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।